नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर्स 502 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी हम लोगों ने इस कोर्स के यानी 502 कोर्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के गेस क्वेश्चंस को हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को हल कर लिया है इससे पहले की वीडियो में। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 101 क्वेश्चन से लेकर के आगे देखते हैं कितनी दूर तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को हल कर लिया जाता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 502 कोर्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 100 प्रश्न तक को हल कर लिया था। आज से हम लोग इसमें 101 प्रश्न से देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। बहिर्विषयीय समेकन के क्या लाभ हैं? बहिर्विषयीय समेकन अधिगम को अधिक सार्थक, संदर्भित तथा वास्तविक जीवनमुखी बनाने में मदद करता है। इसके द्वारा नियोजित से अधिक कौशल एवं दक्षताओं का अर्जन पाठ्याधिकम प्रतिफलों के पुनर्बल के दौरान होता है। अगला सवाल है 102 नंबर, सार्थक अधिगम की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? सार्थक अधिगम की मुख्य विशेषताएँ जो है, उसमें पहला है बच्चों के अनुभवों का उपयोग, दूसरा स्थानीय संदर्भित उदाहरणों का उपयोग, तीसरा है अधिगम को एक प्रक्रिया के रूप में बल देना, चौथा बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देना, और पांचवा है बच्चों के चिंतन पर जोर देना। अगला सवाल दोस्तों 103 नंबर, बालिका शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? एक बालक को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक बालिका शिक्षित होती है तो एक वंश शिक्षित होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है दोस्तों, इस बात को जरा गौर से समझिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, अपने क्षेत्र में बालिका शिक्षा में मुख्य बाधाओं यानी रुकावटों को बताएं। पहला है विद्यालय का दूर होना, दूसरा प्रतिकूल विद्यालय वातावरण, तीसरा भेदभावपूर्ण विद्यालय यानी कक्षा की प्रथाएं, और चौथा है रूढ़िवादिता आदि। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसको हम लोग शॉर्ट में KGBV के क्या उद्देश्य हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समूहों की बालिकाओं के लिए आवासीय अपर प्राइमरी विद्यालय की स्थापना इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, अल्पसंख्यक समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है ये 3 प्रकार के होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और प्रजातीय अल्पसंख्यक। अगला सवाल है, विद्यालय में शुरुआती बच्चों हेतु मातृभाषा क्यों महत्वपूर्ण है? कारण बताइए। इसके 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बच्चे जिस भाषा में बोलते हैं और ठीक समझते हैं उसके द्वारा बेहतर सीखते हैं। दूसरा है पढ़ना व लिखना सीखना एक परिचित भाषा में बेहतर होता है। तीसरा है अवधारणाओं को मातृभाषा द्वारा उत्तम तरीके से सीखा जाता है आदि। अगला सवाल है 108 नंबर, अपने विद्यालय में जनजाति बच्चों शिक्षार्थियों की समस्या के समाधान हेतु 4 मुख्य प्रविधियां लिखिए। इसका 4 विधियों में से है, पहला मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग करना, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ तथा लोक सामग्री का प्रयोग, तीसरा स्थानीय ज्ञान के साथ उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों का अनुकूलन, तीसरा है अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में स्थानीय संदर्भित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। अगला सवाल है दोस्तों 109 नंबर, एक आदर्श बहुभाषी कक्षा की विशेषताएं बताएं। इसकी विशेषताएं 4 यहां पर दी गई है, जिसमें से पहला लिखा हुआ है बच्चों की घर की भाषा के साथ साथ एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, दूसरा है स्थानीय उपलब्ध लोक सामग्री का उपयोग, तीसरा है अधिक सामूहिक अधिगम, चौथा है विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में मुक्त अंतःक्रिया, स्थानीय समुदाय के सहयोग की उपलब्धता। अगला सवाल है 110 नंबर, बहुभाषी कक्षाओं के प्रभावी प्रबंध हेतु एक शिक्षक के पास कौन सी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए? पहला होना चाहिए विद्यार्थी के घर की भाषा तथा अन्य भाषाओं में गतिमान, और दूसरा विद्यार्थियों के साथ भावात्मक संबंध। तीसरा अगला क्वेश्चन है 111, थीम वेब क्या है? एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों और समुदाय से विभिन्न प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान एक थीम के साथ विभिन्न विषयों की अवधारणाओं को जोड़कर समेकित किया जाता है। समेकित अवधारणाओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान का ऐसा मिलान थीम वेब कहलाता है। पूर्ण शारीरिक प्रत्युत्तर जिसको हम लोग शॉर्ट में TPR कहते हैं क्या है? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपना माथा छुओ, घूम जाओ, अपना पेन पकड़ो, अपना पेन पकड़ो, अपनी नाक छुओ आदि। ये पूर्ण शारीरिक प्रत्युत्तर है जिसे TPR भी कहते हैं। पाठ पुस्तक ज्ञान किसे कहते हैं? विभिन्न अवधारणाओं के बारे में ज्ञान, सूचना तथा उदाहरण जो पाठ्य पुस्तक में दिए होते हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक ज्ञान कहते हैं। अगला सवाल,
सुविधा वंचित बच्चे से आप क्या समझते हैं, इस वर्ग में कौन कौन से बच्चे शामिल हैं? तो जो बच्चे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि कारणों से सुविधाओं से वंचित होते हैं उन्हें सुविधा वंचित बच्चे कहते हैं। अल्पसंख्यक समूह के बच्चे, बालिकाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुविधा वंचित बच्चा समझा जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसको ICT कहते हैं, को परिभाषित करें। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा है विभिन्न तकनीकी उपकरणों तथा संसाधनों का एक सेट जिसका प्रयोग सूचना के संप्रेषण, निर्माण, वितरण, एकत्र तथा प्रबंधन करने में किया जाता है। ICT को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला सूचना एवं संप्रेषण इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सूचना तकनीकी, यानी कि एक ICT और एक IT। अगला सवाल है ICT के विभिन्न उपकरणों के नाम बताएं। ICT के उपकरण विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्य दृश्य। ICT के उपकरण एकल तकनीकी नहीं है, बल्कि इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया और डिलीवरी सिस्टम सम्मिलित हैं। ICT उपकरणों को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? तो यहाँ पे फिलहाल चार ऑप्शन लिखा हुआ है, चार श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है सूक्ष्म उपकरण, दूसरा स्थितिजनक उपकरण, तीसरा रचनात्मक उपकरण, चौथा संप्रेषणीय उपकरण। ICT का पूर्ण रूप क्या है? ICT का फुल फॉर्म जो दोस्तों यहाँ पे होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। और IT का पूर्ण रूप भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT और ICT दो यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बस यही कम्युनिकेशन का फ़र्क है IT और ICT में, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। IT किसे कहते हैं? तो सूचनाओं को एकत्रित करने, जमा करने, कार्यान्वित करने तथा प्रदर्शित करने के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर IT कहलाते हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग, स्वनियंत्रित अध्ययन। 123 नंबर सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों, कक्षा में ICT का एकीकरण क्या है? विद्यार्थी अधिगम को सुदृढ़ करने हेतु किसी भी ICT उपकरण, वेब पर उपलब्ध सूचना संसाधन, CD-ROMs में मल्टीमीडिया कार्यक्रम के उपयोग की प्रक्रिया को ICT एकीकरण कहा जाता है। आकलन की प्रक्रिया में कौन से उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक पीयर आकलन और रूब्रिक्स आदि। अगला सवाल है आकलन की प्रक्रिया में ICT के क्या लाभ हैं? इसका जवाब है अधिगम में लचीलापन तथा अधिगम की जिम्मेदारी। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल है कंप्यूटर क्या है, इसका तो कोई भी अपने से जवाब दे सकता है, हमको नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कार्यात्मक इकाइयों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है, ALU, CU और CPU। हिंदी में बोले तो गणितीय तार्किक इकाई, कंट्रोल इकाई और सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई। ये लगभग कंप्यूटर से जुड़े वैसे भी यहाँ पे सवाल हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसे स्किप कर दो। क्या ये कंप्यूटर वाले सवाल तो लगभग सबको आते ही होंगे, मैक्सिमम जो हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर CPU कंप्यूटर के प्रकार पढ़ ही देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। यहाँ से पढ़ लेते हैं, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे अंदरूनी तथा बाहर के भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के सभी ठोस भाग, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU आदि हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम तथा विधियाँ होती है जो कि यह वर्णन करती है कि उन्हें कैसे प्रयोग करना है। इसका अर्थ है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के सेट होते हैं जो कंप्यूटर को बुद्धिमता देता है। सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं उसे। अगला सवाल है 131 नंबर, कुछ इनपुट डिवाइस के नाम बताएं, कीबोर्ड और माउस। दोस्तों यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में अपनी तरफ से आप लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ कि वैसा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ वैसा डिवाइस जिससे हम लोग डाटा इन करते हैं, कंप्यूटर में इन करते हैं, जिसके द्वारा, जिस भी यंत्र के द्वारा, जिस भी मशीन के द्वारा, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया माउस, कीबोर्ड, ये सारा जो है वो इनपुट है। अब आउटपुट क्या है? तो जो हम लोग कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं उसको आउटपुट कहते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का काम करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, कंप्यूटर के मुख्य इकाई क्या है? तो इस सबको पता होना चाहिए, CPU इसका मेन पार्ट होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU के क्या कार्य होते हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तथा सुपर। यहाँ पर चार प्रकार के लिखे हुए हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर सह अधिगम क्या है? CAL क्या है? शिक्षण अधिगम हेतु सूचनाएं एकत्र करने, कक्षा में इकट्ठे सीखने के लिए कंप्यूटर के प्रयोग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली है। इसे सामान्यतः कंप्यूटर सह अधिगम CAL कहते हैं।
कंप्यूटर से अधिगम का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो कंप्यूटर से अधिगम कई विधियों से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ड्रिल तथा अभ्यास सत्र, ट्यूटोरियल, आंकड़ों का विश्लेषण, सिम्युलेशंस, मॉडलिंग, सूचना का भंडारण तथा दोबारा वापस लाना। कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं? हमारे द्वारा दिए गए डेटा के कंप्यूटर को कंप्यूटर लेकर उन आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें कार्य अनुसार परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देश के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर से ज़्यादा ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं समय आप लोग का बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड सबको लगभग पता ही होगा। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 146। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा में मापन क्या है? तो शिक्षा में मापन भौतिक वस्तुओं के मापन की भांति वांछित पक्ष को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। निर्धारण क्या है? निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पदार्थ या लक्ष्य से संबंधित कोई सूचना प्राप्त की जाती है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी घटना के बारे में एक विशिष्ट समय अवधि में उसके बारे में एकत्रित मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं के आधार पर मूल्य नियंत्रण करना, नियंत्रण नहीं बल्कि निर्धारण करना यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला सवाल 149 नंबर, पूरी कक्षा प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? तो यहाँ पर तीन घटक लिखे हुए हैं। पहला है अपेक्षित अधिगम परिणामों का निर्णय लेना, दूसरा है कक्षा संपादन की योजना बनाकर आयोजन करना, तीसरा है अधिगम में बच्चों की प्रगति का निष्पादन करना। अगला सवाल 150 नंबर है दोस्तों, यहाँ पर सृजनात्मक निर्धारण क्या है? सृजनात्मक निर्धारण शिक्षकों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली औपचारिक एवं अनौपचारिक निर्धारण विधियों की एक श्रृंखला है जिनका उद्देश्य शिक्षक अधिगम क्रियाओं को बेहतर बनाकर बच्चों की उपलब्धि का सुधार करना है। संकलात्मक आकलन से क्या अभिप्राय है? संकलात्मक आकलन से अभिप्राय अधिगम के उस आकलन से है जो एक विशिष्ट समय पर बच्चों के विकास को जोड़ता या उसका सार देता है, या बच्चों को अधिगम की किसी एक समय पर आकलन की प्रक्रिया है। अगला सवाल 152 नंबर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा कक्ष में उपलब्धि परीक्षण के किन्हीं तीन उपयोगों को बताइए। पहला है विद्यार्थियों ने किस स्तर तक एक विशेष विषय वस्तु में ज्ञान और कौशल अर्जित किया है यह जानने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की तुलना करने के लिए। तीसरा है अध्यापक को समूह बनाने में तथा एक बच्चे की अधिगम कठिनाइयों की पहचान करने में। अगला सवाल, अध्यापक निर्मित एक अच्छे परीक्षण की विशेषता बताइए। पहला विशेषता है एक अध्यापक निर्मित परीक्षण में सीमित संख्याओं में क्षमताएं होनी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों को पहचानने योग्य होना चाहिए। अगला सवाल है एक अच्छे परीक्षण की संरचना के चरण क्या हैं? योजना परीक्षण, पदों को लिखना, पदों का एकीकरण और संपादन करना तथा सन्मकों की प्रक्रियाएँ बनाना। अगला सवाल है विस्तृत उत्तर प्रकार के पदों की उपयोगिता बताएं या अथवा करके यहाँ पे एक और क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, विस्तृत उत्तर प्रकार के पद के सबल और निर्बल पक्षों को बताइए। इसमें लिखना है दोस्तों, विस्तृत उत्तर प्रकार के पदों के द्वारा कई प्रकार के मानसिक प्रसंस्करण और कौशलों का मापन किया जा सकता है। यह अध्यापक को विद्यार्थियों के उत्तर लिखने की और उसे प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता के स्तर का आकलन करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के पदों की रचना करना प्रतिबंधात्मक प्रकार के पदों की तुलना में आसान है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बाद हम लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी देना है जो कि दो दो नंबर के होंगे, तो ये दो नंबर में भी आ सकते हैं और एक नंबर में आ सकते हैं। अगला सवाल है, निरीक्षकों द्वारा विस्तृत उत्तर प्रकार के पदों का समंकन भिन्न क्यों होता है? अध्यापकों का भिन्न विषय वस्तु ज्ञान निरीक्षक के द्वारा हस्तलेख के आधार पर समंकन करना, व्याकरण और लेखन त्रुटियों पर अधिक बल देना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से निरीक्षकों द्वारा विस्तृत उत्तर प्रकार के पदों का समंकन भिन्न होता है। निबंधात्मक पदों को प्रतिबंधात्मक उत्तर वाले पद बनाने के लिए कितने प्रतिबंधों की आवश्यकता हो सकती है? मुख्यतः चार प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये प्रतिबंध है उत्तर की लंबाई, उत्तर का विषय वस्तु, उत्तर के लिए स्थान और उत्तर देने के लिए समय। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर दोस्तों सही और गलत का निशान लगाना है जो कि इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला है ए में, विस्तृत उत्तर प्रकार के पद निबंधात्मक प्रकार के पद होते हैं। ये सही है या गलत, आप लोग अपने मन से इसे हल करके पहले देखना, उसके बाद नीचे में आंसर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर पहले मत देख लेना, पहले आप अपने तरफ से हल करके देखना कि आप कितना हल कर सकते हैं और कितना आपने हल किया है, इसको कमेंट में आप जरूर बताना। विस्तृत उत्तर प्रकार के पद निबंधात्मक प्रकार के पद होते हैं, ये सही है या गलत, ये सत्य है।
दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के पद का उपयोग विद्यार्थियों के रचनात्मक क्षमता का मापन करने के लिए अधिक किया जाता है, ये सही है या गलत? ये गलत है, असत्य है। 5+2=2, उसके बाद है ब्लैंक, एक चुनाव प्रकार का मद है, ये भी असत्य है। डी में है प्रत्येक मांग प्रकार के पद को चुनाव के पद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये सत्य है। ई में है मिलान प्रकार के पद बहुविकल्पीय पद का एक प्रकार है, ये भी सत्य है। एफ में है बहुविकल्पीय पद में गलत विकल्प को स्तंभ कहते हैं, ये गलत है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, 159 नंबर। अभिलेखन क्या है? बच्चे के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रमाणों जिनको आंकलन के विभिन्न उपकरण एवं तकनीकियों का उपयोग करके एकत्रित किया गया है के व्यवस्थित परलेखन की प्रक्रिया अभिलेखन कहलाती है। रिपोर्टिंग से आप क्या समझते हैं? एक बच्चा समझ और कौशल अर्जन के निम्न स्तर से उच्च और अधिक पेचीदा अधिगम स्तर की ओर किसी प्रकार आगे प्रगति करता है, सीखता है को प्रदर्शित करने के लिए आकलन का पृष्ठ पोषण को बांटना और संप्रेषण करना रिपोर्टिंग कहलाता है। परामर्श से क्या तात्पर्य है? परामर्श एक ऐसा अनोखा सहायता प्रदान करने वाला संबंध है जिसमें बच्चों को कुछ सीखने, महसूस करने और अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उसके तरीकों में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिनके बारे में वह सोचता है। गलती एवं त्रुटि में क्या अंतर है? गलती की जाती है जबकि त्रुटि घटित होती है। गलतियों में मानव क्रियाओं का समावेश होता है जबकि त्रुटि सटीकता या सही से भटकाव होता है। पर्यावरण अध्ययन में निष्पादन की रिकॉर्डिंग में किन आयामों का समावेश कर सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन अधिगम निष्पादन की रिकॉर्डिंग में निम्न आयामों का समावेश कर सकते हैं, जैसे अवलोकन और रिकॉर्डिंग, चर्चा, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, प्रश्न पूछना, विश्लेषण, प्रायोगिक कार्य, न्याय और समानता के लिए निष्ठा और सहयोग की भावना। अगला सवाल है 164 नंबर, भाषा के निष्पादन की रिकॉर्डिंग में किन कौशलों को शामिल कर सकते हैं? तो भाषा के निष्पादन में रिकॉर्डिंग में मूलभूत कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को शामिल कर सकते हैं। गणित में निष्पादन की रिकॉर्डिंग में किसे शामिल कर सकते हैं? गणित में निष्पादन की रिकॉर्डिंग में एक कक्षा विशेष में सिखाए गए विभिन्न विषय वस्तु को शामिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, आकलन परिणाम का विश्लेषण क्यों किया जाता है? आकलन परिणाम का विश्लेषण किया जा सकता है विषय के अनुसार, उपविषय के अनुसार और अधिगम परिणाम के अनुसार। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो है वो पार्ट वन और पार्ट टू और पार्ट थ्री तीनों मिला करके 502 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को 166 प्रश्न को हल कर लिया है, जिसमें कुछ कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस को हमने स्किप कर दिया है, लेकिन इसकी PDF फाइल में मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, उसमें पूरा फाइल आपको मिल जाएगा। और उसके लिए आपको नीचे कमेंट में अपना मेल या अपना व्हाट्सअप नंबर बता दें अगर आपको चाहिए तो। वैसे और इससे पहले की जो भी वीडियो है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हो या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का हो, अभी तक के सारे वीडियो और क्वेश्चंस का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जा करके लिंक फॉलो करके सारे वीडियो और PDF को देख सकते हैं। दोस्तों, आगे के वीडियो हम इसके बाद 503 कोर्स का शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।